नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक 25,000 बदमाश घायल। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में काली नदी पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश फैजल अब्बास जैसी निवासी कृष्णापुरी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गया घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद, घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। घायल बदमाश फैजल पर दो दर्जन डकैती, लूट व मर्डर के मुकदमे दर्ज। लखनऊ व मुरादाबाद तक के घायल बदमाश ने दिए हैं चैन स्नैचिंग व लूट के बड़े कारनामे। बदमाश से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, एक तमंचा व दो कारतूस बरामद। 25,000 का इनामी है बदमाश फैजल। एक ईदगाह चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार व आबकासी चौकी इंचार्ज सुखबीर सिंह को मिली बड़ी सफलता। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ, ये बैलना चौकी के पास में रात में पुलिस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया, तो चेकिंग में नहीं रुके और उस शामली बाईपास की तरफ भागे। भागने पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो काली नदी पुल से पहले ही उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जंगल में उतारनी चाही, जिसमें मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। उसके बाद जैसे ही मोटरसाइकिल स्लिप होती है तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किए जाने पे एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश जो है सामने खड़ी फसलों का फायदा उठा के भाग गया। इस बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस, जिंदा कारतूस ये रिकवर हुए हैं। इस बदमाश को जब नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम फैसल अब्बास बताया। इसके जब देखा गया तो इस पर लगभग दो दर्जन मुकदमे हैं, लूट, डकैती और इस तरह के विभिन्न अपराधों के मुकदमे हैं। दो केसों में अभी भी ये थाना कोतवाली से वांछित था, जिस पे 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। इसके अलावा अन्य जनपदों से भी ये वांछित चला है।